वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इजी सा डीआईवाई नेचुरल हेयर कलर शेयर करने वाली हूँ, जो कि आपके हेयर में नेचुरल कलर लाएगा। फ्रेंड्स, आप लोगों की एक कमेंट बार बार आती है कि कुछ ऐसा बताओ जिससे कि हमारे हेयर डैमेज भी ना हो और हमारे हेयर पे एक बहुत ही सुंदर सा कलर आए और साथ ही साथ जो हमारे हेयर की और प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाए। तो उसी को सॉल्व करने के लिए आज का वीडियो मैंने बनाया है ताकि आपको बहुत अच्छे अच्छे बेनिफिट सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, किसी भी चीज को अप्लाई करने से पहले उसका बेनिफिट्स, उसका रीजन, उसका सॉल्यूशन सब कुछ जानना जरूरी होता है, जो कि मैं आपको इस वीडियो में अच्छे से बताऊंगी। आपके हेयर के सारे प्रॉब्लम को दूर करेगा और साथ ही साथ किसी किसी की ये भी प्रॉब्लम होती है कि जब भी मैं अपने हेयर में कलर करती हूँ या फिर मेहंदी लगाती हूँ तो जो हमारा हेयर फॉल है वो बहुत ज्यादा होने लगता है। तो उसका भी सॉल्यूशन इसी वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। इस डीआईवाई के सबसे पहले मैं आपको बेनिफिट्स बताती हूँ कि इससे आपको बेनिफिट्स क्या क्या मिलने वाले हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट्स ये है कि ये आपके हेयर को नेचुरली ड्राई करेगा। सेकंड, कि जब आप डीआईवाई अपने हेयर पर अप्लाई करते हो, मेहंदी लगाते हो या फिर किसी प्रकार का डीआईवाई अप्लाई करते हो, तो आपकी जो हेयर फॉल स्टार्ट हो जाती है वो नहीं होगी। तीसरी बात, कि जो आपके स्कैल्प में गीला या फिर सूखा डैंड्रफ की प्रॉब्लम है वो कम होगा। चौथी बात, कि आपके बालों को ये वाला डीआईवाई नेचुरल कंडीशनर प्रोवाइड करेगा। तो इससे क्या होगा कि जो आपकी हेयर की लेंथ है वो काफी सॉफ्ट रहेगी और उस पर एक गोल्डन कलर आएगा, जो कि शायद आपको दिख रहा होगा। मेरे जो हेयर है वो काफी सॉफ्टली नेचुरल गोल्डन कलर की हो गई है, लाइक थोड़ी सी जो रेड होती है वो। सीधे से हम लोग मूव ऑन करते हैं कि कैसे इसे बनाना है। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट लेना है आपको मेहंदी का पाउडर। आप मेहंदी का पाउडर कोई सा भी ले सकते हो, जो भी आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल है वो ले सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगी कि आप नुपुर का मेहंदी लो। वो बहुत ही ज्यादा 100% प्योर होता है और आपकी बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो सबसे पहले आपको लेना है मेहंदी का पाउडर। फ्रेंड्स, मेहंदी का पाउडर बिल्कुल प्योर होना चाहिए, इसमें कोई भी कलर ना हो, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इसमें आपको 1 चम्मच ऐड करना है कॉफ़ी का पाउडर। क्वांटिटी, अगर आपने 4 से 5 चम्मच मेहंदी लिया हुआ है तो उसमें 1 चम्मच आपको कॉफ़ी पाउडर ऐड करना है, और 1 से 1.5 चम्मच आपको इसमें ऐड करना है आंवला का पाउडर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट। उसके बाद इन तीनों को आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। फ्रेंड्स, आंवला का पाउडर बहुत ज़्यादा कंपल्सरी है, क्योंकि वो आपके हेयर को लॉन्ग स्ट्रांग बनाने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करती है। उसके बाद आपको कोई सा भी ऑयल इसमें ऐड करके और थोड़ा थोड़ा सा पानी दे करके इसको आपको एक थिक पेस्ट बना लेना है। बस इतना थिक होनी चाहिए कि जब आप अपने घर में चलो तो वो आपसे आपके बालों से ना गिरे। और बाकी मैं आपको कंसिस्टेंसी इस वीडियो में दिखा रही हूँ, ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट होती है आपके हेयर को ड्राई करने के लिए। उसके बाद आपको इसे अच्छे से धीरे धीरे कम पानी देते हुए मिक्स करना है। कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके की है, आप देख सकते हो ये बहुत ही गढ़ा सा आपका एक पेस्ट बनकर तैयार हो। उसके बाद इसे आप अपने स्कैल्प से लेंथ तक पूरी अच्छे तरीके से अप्लाई कर लीजिए। उसके बाद 1 से 1.5 घंटे के बाद नॉर्मल वाटर से अपने हेयर को वॉश कर लीजिए। और एक बात और, जो कि आप लोगों को काफी परेशान करती है, कि जब मैं अपने हेयर में किसी प्रकार का हेयर मास्क लगाती हूँ या फिर मेहंदी का यूज करती हूँ तो जो हमारे बाल हैं उसमें से मेहंदी निकलती नहीं है और जो भी बचे कुचे बाल हैं वो भी झड़ते रहते हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको बताती हूँ। आपको क्या करना है कि जैसे मैंने आपको ये वाला होम इंग्रेडिएंट बताया है वैसे आपको सबसे पहले बना लेना है। उसके बाद इस पूरे होम इंग्रेडिएंट को, जो भी जितना भी आपने क्वांटिटी लिया है, उस सारे को एक कॉटन की क्लॉथ से अच्छे से उसे छान लीजिए और जो उसका जूस निकलता है उसे आपको सिर्फ और सिर्फ अपने स्कैल्प में अप्लाई करना है। लेकिन जब आप ये वाला प्रोसेस फॉलो करते हो तो इसका रिजल्ट है वो आपको 3 से 4 बार जब अप्लाई करोगे अपने हेयर में तो दिखेगा। और जब आप इसे ऐसे ही मैंने आपको मास्क बताया वैसे अप्लाई कर लोगे तो इसका बेनिफिट आपको सिर्फ और सिर्फ 1 यूज में मिलेगा। लेकिन अगर आपको बहुत ही ज्यादा हेयर फॉल या फिर कोई भी प्रॉब्लम होती है इससे रिलेटेड तो आप दूसरा मेथड भी ट्राई कर सकते हो। तो मैंने इस वीडियो में ट्राई किया है कि आप किस तरीके से अपने हेयर को कलर कर सकते हो घर पर नेचुरली, और जब आप इस कलरिंग को अप्लाई करोगे आपके हेयर पे तो आपको आपके जो हेयर है वो बिल्कुल भी डैमेज नहीं होगी, कोई हेयर फॉल की समस्या नहीं होगी। तो आप इस इंग्रेडिएंट को आराम से इत्मीनान से यूज कर सकते हो और इसका रिजल्ट आप मुझे
कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि इसी तरीके से मैं बहुत दिन से अपने हेयर को कलर कर रही हूँ और मेरी जो हेयर की कलर है वो काफी नेचुरल और काफी जो मेरी हेयर है काफी सॉफ्ट हो गई है। तो ये था आज का वीडियो, वीडियो कैसा लगा है इसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलती हूँ आप लोगों के साथ एक और नए बेहतरीन एपिसोड में, तब तक खुद से प्यार करिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टिल देन बाय बाय।